मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पाकिस्तान के साजिद कैलोन का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। लोग साजिद कैलोन के तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तान के साजिद कैलोन ने काम ही कुछ ऐसा किया है। दरअसल इंग्लैंड के स्टारबक्स में जहां लोग बड़े प्यार से कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, मगर एक भिखारी को टेबल पर खाते पीते देख स्टारबक्स का स्टाफ इस पर एतराज़ जताया और उसे भगाने की कोशिश की, मगर साजिद ने इसका विरोध किया। साजिद ने कहा कि इसने पूरे पैसे दिए हैं तो फिर टेबल पर खाना खाने का अधिकार क्यों नहीं है। देखिए ये पूरा वीडियो। He paid the food is being bought, the coffee is spent like £8 and he's eating that food. Why not he have, is not a human or what happened? He's a human, but but now obviously he is eating his food. You can't just ask him to leave, let him finish the food and then he can leave. What's the problem? The food is being paid. Sir, I understand that, but it's fine. He's eating his food. I understand. Yeah, but when he's eating now, he's eating his lunch, then let him eat the food. And he's eating food. And then obviously if he's wasting your time, then you can't. My friend eat the food and then respectfully leave. And yeah? हालांकि ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो स्टारबक्स की फजीहत होने लगी, जिसके बाद स्टारबक्स ने अपने स्टाफ के किए पर माफ़ी मांगी। स्टारबक्स ने कहा कि हम हमारे कस्टमर के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना चाहते हैं, मगर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। वीडियो में जैसा व्यवहार दिख रहा है कस्टमर के साथ, हम अपने इतने बुरे व्यवहार के लिए सभी से माफ़ी मांगते हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।